हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका चैनल सिविल इंजीनियर विकास में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1500 स्क्वायर फीट का हम लोग स्लैब कास्टिंग करेंगे तो वहाँ पे आप लोग का सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा और उसका लेबर रेट कितना होगा, ठीक है, उसी वीडियो में आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे क्या कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ 1500 स्क्वायर फीट रूफ विथ लेबर कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मतलब स्लैब का मेरा जो साइज हुआ, एरिया ऑफ स्लैब मतलब 30 फीट × 50 फीट का मेरा एरिया है, तो मेरा कितना हो गया 1500 स्क्वायर फीट का मेरा एरिया हो गया। ठीक है, स्लैब का एरिया जो थिकनेस ऑफ स्लैब मतलब हम लोग स्लैब का मतलब छत का जो मोटाई रखेंगे हम लोग 5 इंच रखेंगे, तो 5 इंच को हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5 / 12 तो कर देंगे तो आप लोग कितना हो जाएगा 0.416 फीट आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का M20 ग्रेड कंक्रीट आप लोग यूज करेंगे। मिनिमम आप लोग को इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप लोग का जो स्लैब में हम लोग जनरली हम लोग कितना ग्रेड का हम लोग कंक्रीट यूज कर सकते हैं, हमारा M20 ग्रेड का हम लोग कंक्रीट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा M20 ग्रेड का हम लोग कंक्रीट यूज करेंगे तो वहाँ पे आप लोग का जो रेशियो रहेगा 1:1.5:3 रहेगा, मतलब एक भाग आप लोग का सीमेंट रहेगा, डेढ़ भाग आप लोग का सैंड रहेगा मतलब बालू रहेगा और 3 भाग आप लोग का एग्रीगेट या गिट्टी रहेगा आप लोग का। उसके बाद हम लोग जो स्टील हम लोग यूज करेंगे स्लैब में, हमारा स्लैब में हम लोग जो यूज करेंगे 8 mm सरिया और 10 mm का सरिया हम लोग यूज करेंगे और बीम में आप लोग का 10 mm सरिया और 12 mm का सरिया हम लोग यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारा लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा स्लैब का एरिया है वहाँ पे उसको कैलकुलेशन कर देते हैं बट बीम को हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते, इसीलिए उनका गलती होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, गलती मत कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग देखें कि हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है, मतलब मेरा 1500 स्क्वायर फीट का था, ठीक है, स्लैब का एरिया। तो हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू आप लोग का जो हाइट होगा मतलब मेरा जो थिकनेस कितना था 0.416 फीट, तो इसको इंटू कर देंगे मेरा कितना आ जाएगा 624 CFT मेरा आ गया। ठीक है, 624 क्यूब फीट मेरा कंक्रीट वॉल्यूम हुआ मेरा क्या स्लैब में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीम में भी हम लोग को भी कास्टिंग करना पड़ेगा, जब भी आप लोग स्लैब करेंगे वहाँ पे भी आप लोग को बीम को भी कास्टिंग करना पड़ेगा। तो बीम में आप लोग का कितना कंक्रीट लगता है, तो बीम में आप लोग का अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 25% का आप लोग जो स्लैब का जो कंक्रीट वॉल्यूम होगा, स्लैब का जो वॉल्यूम होगा उसमें आप लोग का 20 से लेकर 25% आप लोग का लगेगा। तो मतलब यहाँ पे मैं 25% ले रहा हूँ, तो 624 क्यूब फीट इंटू 25% कर देंगे तो आप लोगों का कितना लगेगा बीम में, 156 CFT आप लोगों का लगेगा बीम में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कंक्रीट वॉल्यूम कर देंगे, तो 624 + 156 कर देंगे तो टोटल कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ रूफ हो गया कितना, 626 + 156 तो आप लोग का हो गया कितना 780 CFT आप लोग का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आप लोग का जो कंक्रीट का जो कास्ट रहेगा आप लोग का पर CFT आप लोग को 170 से लेकर 195 रुपये आप लोग को पर CFT आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का कितना कॉस्ट होगा, आप लोग का 780 CFT आप लोग का था, तो 780 CFT × 170 करेंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा, 132,600 रुपये आप लोग को पड़ेगा क्या कंक्रीट का। ठीक है, ये आप लोग RMC से मंगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग RMC से जो मंगाएंगे तो आप लोग का 1 UMQ कंक्रीट आप लोग का कॉस्ट कितना पड़ेगा, 6,000 से लेकर 7,000 रुपये आप लोग का पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी सारा लोग को वहाँ पे डाउट होगा कि हमारा सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे हम बता दे रहा हूँ कि हमारा जो सीमेंट लगेगा हमारा, तो सीमेंट हमारा लगेगा 177 बैग। ठीक है, 177 बैग आप लोग का सीमेंट लगेगा और हमारा जो सैंड लगेगा आप लोग का, सैंड आप लोग का CFT में आता है, तो सैंड आप लोग का 331 CFT आप लोग का लगेगा सैंड। ठीक है, उसके बाद आप लोग का जो एग्रीगेट लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, 662 CFT आप लोग का एग्रीगेट लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करें क्या हमारा जो CFT में आप लोग का कंक्रीट वॉल्यूम आया, तो हम लोग जानते हैं क्या 1 CFT = 1/35.314 m³। ठीक है, तो हम लोग कंक्रीट वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 780 CFT = 780 / 35.314 m³ में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 22.087 m³ आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मीटर क्यूब आप लोग का कंक्रीट लगेगा। उसके बाद आप लोग का स्टील क्वांटिटी मतलब आप लोग का जो स्लैब और बीम में आप लोग का स्टील क्वांटिटी आप लोग यूज करेंगे तो वहाँ पे आप लोग का कितना आएगा, 1.75% ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम मतलब स्टील
जो आप लोग का कंक्रीट का जो वॉल्यूम हो गया, आप लोग का स्लैब और बीम का जो कंक्रीट का वॉल्यूम हो गया, उससे आप लोग का 1.75% आप लोग का स्टील लगेगा। तो वहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 22.087 इंटू 1.75% आप लोग करेंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा 0.386 मीटर का आप लोग का क्या लगेगा स्टील लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्टील का जो डेंसिटी हमारा होता है 7850 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1 एमक्यू में आप लोग का 7850 केजी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इतना एमक्यू मेरा है तो वहाँ पे मैं उसका वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे 0.386 इंटू हमारा डेंसिटी कितना है 7850, तो उसमें आप लोग इंटू कर देंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा 3030 मतलब 3030.01 आप लोग का लगेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप लोग का 3031 केजी आप लोग का लगेगा स्टील, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे जो हमारा स्टील का जो रेट अभी है मार्केट में 70 रुपये पर केजी के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे आप लोग का ज़्यादा हो सकता है और कहाँ पे आप लोग का कम भी हो सकता है, ठीक है। ये रेट आप लोग का फिक्स नहीं है। तो कॉस्ट आप लोग कितना पड़ेगा 3031 इंटू 70 रुपये आप लोग का पर केजी के हिसाब से, तो 3031 केजी मेरा लगा, तो इसको इंटू करेंगे तो आप लोग कितना हो गया 212170 रुपये आप लोग का पड़े क्या आप लोग का स्टील का वेट, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो शटरिंग प्लस लेबर कॉस्ट आप लोग को जो लगेगा, आप लोग का वहाँ पे स्टील बाइंडिंग करेगा और शटरिंग करेगा, आप लोग का कंक्रीट कास्टिंग करेगा, तो आप लोग का कितना ले रहा है 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग कितना होगा, आप लोग का स्लैब का एरिया कितना है 1500 स्क्वायर फीट इंटू 50 कर देंगे तो आप लोग कितना पड़ेगा 75,000 आप लोग का आप लोग को लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल कर देंगे तो हम लोग क्या होगा कि आप लोग का कंक्रीट का कॉस्ट प्लस स्टील का कॉस्ट आप लोग का लेबर रेट का कॉस्ट, तो टोटल कर देंगे तो आप लोग का कितना पड़ेगा 419,770 रुपये आप लोग को अभी का रेट में आप लोग को पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी आप लोग दे सकते हैं, जो हम लोग बताया 1 MQ में आप लोग को 6,000 से लेकर 7,000 के बीच में आप लोग को जो पड़ता है, तो आप लोग MQ मतलब कंक्रीट आप लोग का MQ में आता है, तो आप लोग क्या करेंगे जितना MQ मतलब 22.087 इंटू आप लोग का 6,000 रुपये पड़ता है, तो इंटू 6,000 कर देंगे तो आप लोग को जितना रुपया पड़ेगा उसी हिसाब से भी आप लोग रेट निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।